क्या ले यही पर लो यही अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त चश्मे बराज से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध, उसके ये बराज से हम यहाँ से जा रहे हैं। बैठी हूँ नहीं लिखा है क्या सरकार यहाँ पर कोक वगैरह पी और चंद दोस्तों को साथ लगाया और ज़िला मियांवाली का एक नहायत ही पसमानदा इलाका कच्चा गुजरात, वहाँ पर हम सब लोग गए। वहाँ पर हम पांच छह दोस्त इकट्ठे मिल के वहाँ पर विज़िट किया उस जगह का, क्योंकि हमने कुर्बानी के जानवर लेने थे एक दो, तो वहाँ पर देखे। यहाँ से एक बंदे को हमने उठाया, हमारे दोस्त का एक दोस्त था, तो उसको साथ लेके आगे चल दिए जी। जी तो संभव मैं संभालने तो। लो जी, हम कच्चा के इलाके में पहुँच गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सब साथी इकट्ठे हुए और सामने जो जानवर खड़े हैं यहाँ पर हमने जानवर देखे। हमारे ज़िले का ये एक पसमानदा इलाका है, लेकिन मेरा यहाँ पर आना ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है और यहाँ पर आके मैंने देखा है कि यहाँ पर कितनी पुरसकून ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। माशाल्लाह ये जानवर देखें आप, कितने प्यारे जानवर हैं। माशाल्लाह सही पले हुए हैं। यहाँ पर लोगों का शौक़ है इन्हें पालना और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और ये हीटर के साथ भी चलता है और सामने सोलर प्लेटें आपको अगर आप देख सकें तो ये सामने खड़ी हैं। इसका सहारा भी है इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी बचत हो जाती है सोलर प्लेटों से। और अभी मेरे ख्याल में ये सोलर प्लेटों के हिसाब से ये चल रहा है ट्यूबवेल। और माशाल्लाह बहुत ही ठंडा पानी, और ये देखें ये एक छोटा सा कुआं है और ये एक पीटर है, और वो ये कह रहे हैं कि ये पीटर के साथ भी हम चलाते हैं जिस दिन सोलर प्लेटें काम नहीं कर रही होती। तो अभी ये देख लें, अंदर छोटा सा कमरा है और उस कमरे में छोटी सी मशीनरी और भी लगी हुई थी। ये ठंडा पानी है, इसका हमने पानी पिया भी है, बहुत प्यारा पानी है, मीठा पानी है। ग्रीनरी चेक करें आप, माशाल्लाह
अच्छा तो कितने लगे दिन में अगली गाल समझ जाए तो मैं खपता नहीं ही कुनी चीज सही से मैं समझ लाग गई मैं आखन वी लगा तो तू आ दे बेईमान कर नहीं 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 पंजी नहीं कितना तू एक वो सन समझा था सन एक मतलब इन यहां पर हमारे साथ एक दोस्त जो कैप वाला पी कैप वाला जो खड़ा है सफेद कपड़ों में ये हमारा एक दोस्त है और ये व्यापार का काम करता है यही काम है इसका और ये मुकमुका कर रहा है हमारे लिए यहाँ पर हमने जानवर देखे और वो दोस्त हमें एक और जगह है वहाँ पर लेके जा रहा है वहाँ पर हम गए और वहाँ पर भी हमें जानवर पसंद आए। ये देखे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है तो देखते हैं कि क्या होता है। दो जानवर लेने हैं, एक ये बैल लेना है और एक और गाय जवान जो गाय होती है वो लेनी है हमने। तो देखते हैं क्या होता है, आज तकदीर हमारे साथ क्या करती है। तेरे ये काम है सिर्फ नहीं स्कूल है ना कितनी पढ़ते हैं चौथी शाबाश सारियां तेरियां ना तेरियां। और दोस्तों सामने जो वाइट कलर की गाय खड़ी थी ना वो हमें पसंद आई है। अब उसके मालिक के घर हम आए खड़े हैं तो यहाँ पर देखते हैं वो सामने पीके वाला हमारा भाई दोस्त वो वहाँ पर मखमुखा कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कि हमारा सौदा हो जाएगा। इसी पे हमें बहुत पसंद आई है ये गाय। टोके दे टुकन है अच्छा दात्री थे यही पल्ला हो यही बड़ा असल। नाजरीन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये प्याज पड़ा है, इन लोगों ने यहाँ पर प्याज की फसल भी उगाई है और यहाँ पर ये प्याज है अभी खुश्क करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि ये वज़न में ज़्यादा होता है और इसका रेट कम होता है इस वक्त अगर आप लें तो। इस घर में हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर बकरे भी खड़े हैं। ये बाड़ा आपको दिखाते हैं बकरों का, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बकरे खड़े हैं। बकरे कितने दिन बकरे बिकाऊ हैं कितने दिन कितने दिन नंबर
नादिन ये चारपाई देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी चारपाई है। ये देख लें इसकी रस्सी जो है जिसके साथ ये बना हुआ है बहुत ही प्यारी है। ये लीमू का बागीचा है और यहाँ से हम लेमन वगैरह तोड़ रहे हैं मालकों की इजाज़त से। बड़े प्यारे लेमन है ये देख लें। ओ पूछे थे थाई कोलू ये के नाम है।